बिहार के पूर्वी चंपारण का एक छोटा सा शहर है रक्सौल। यहाँ का पूरा मार्केट एक सड़क के दोनों ओर सिमटा हुआ है। पहले इस मार्केट से लाखों की खरीदारी हुआ करती थी। ज्यादातर खरीदार नेपाली होते थे, क्योंकि नेपाल में राशन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर बर्तन तक भारत के मुकाबले काफी महंगे मिलते हैं। इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ग्राहकों को देखने के लिए व्यापारियों की आंखें तरस गई हैं। नेपाल से कस्टमर का आना जाना जब से बंद हुआ, तब से बाजार का बहुत ही बुरा हालात है। 80-90% कस्टमर नेपाल का है जो रक्सौल मार्केट में परचेजिंग करता है। हम लोग का भी व्यापार नेपाल से ही चलता है, उस पर ही डिपेंडेड है। आज उसका असर बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं है दूर दूर तक, ना सेल है, ना कस्टमर है, ना कोई व्यापार है। धंधा पूरी तरह से मंदा पड़ा हुआ है। हम लोग भी अपना समय बैठ के ही बिता रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। कपड़ा व्यापारी नियाज अहमद कहते हैं कि हम 2006 से रक्सौल में दुकान चला रहे हैं। यहाँ 80-90% नेपाली ग्राहक थे। जब से लॉकडाउन लगा है, कोई भी ग्राहक रक्सौल नहीं आ पा रहा है। हमारी तो पूरी ग्राहकी ही चौपट हो गई। तो लगभग कपड़े की दुकान 150 दुकान है, और 150 दुकान में लगभग 130-140 दुकान में कभी बहनी होती है और कभी बहनी भी नहीं होती है। बहुत बुरी स्थिति से रक्सौल गुजर रहा है। मतलब ये क्यों हो रहा है? मतलब पूरा नेपाली ग्राहक नहीं आ पा रहे सिर्फ ये वजह? हाँ, रक्सौल ये नेपाल पर डिपेंड है, और मेन क्या है कि जब बॉर्डर बंद होने के चलते नेपाल के कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये रक्सौल बाजार पूरी त्रस्त हो चुकी हुई है। रक्सौल के टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता बताते हैं कि यहाँ करीब 150 दुकानें हैं, जिनमें से 120-130 दुकानें अभी बंद हैं। दुकानों का किराया 50,000 रुपये महीना तक है। अब तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि किराया देना ही मुश्किल हो गया है। अब 10% से भी नहीं चल रहा है रक्सौल का बाजार। बहुत ही बुरा हाल हो गया हम लोग का भी। मतलब ऐसा हाल कभी लाइफ हम लोग कभी नहीं देखे हुए थे हम लोग। अब समझ लीजिए कि कोई गिनती भी नहीं, एक आ जाए तो या दो आ जाए तो वो मुश्किल है। कॉस्मेटिक विक्रेता राजेंद्र कुमार कहते हैं, पहले के मुकाबले 10% ग्राहकी भी नहीं है। पहले हमारा कॉस्मेटिक का सामान खूब बिकता था, क्योंकि नेपाली लोग शौकीन होते हैं। वो महंगी से महंगी चीजें खरीद कर ले जाते थे, लेकिन बीते 4 महीने से जो हालात बने हैं, उसने सब तबाह कर दिया। व्यापारियों को उम्मीद है कि हालात ठीक होने के बाद बाजार की रौनक लौटेगी। नेपाली यहाँ के बाजारों में खरीदारी करने जरूर आएंगे, क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी है कि ज्यादा दिनों तक वे नेपाल में खरीदारी नहीं कर सकते। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।